बुच्छा साहिबा का इस तरह उठ जाना ये भी एक अच्छी बात नहीं है। किस किस के ऊपर बात करना चाहते हैं? क्या वो कम सहाफी थे? क्या उनकी जिंदगी की कम कीमत थी? क्या हुआ 19 FIR अगर अरशद शरीफ के खिलाफ कटी तो वो पेशावर से क्यों गए और वो क्यों दुबई से उनको भेजा गया केन्या? व्हाई? ये सब सवालात के जवाबात देने के बाद उंगलियां उठाइए, उसके बाद इल्जाम भी लगाइए, चाहे वो नवाज शरीफ पे लगाइए, क्योंकि इल्जाम लगाना तो इस मुल्क में कोई मतलब कोई खेल है। आप किसी पे भी लगा दो उठ के, मैं आज बाइडेन पे लगा दूं कि जी हाँ उन्होंने मारा है, क्योंकि इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हो तो यही रहा है। इमरान खान साहब की FIR नहीं दर्ज हुई उनके अपने सूबे में, उस पर सुबह मोटो इशू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उस पर भी कर लेते, इस मुल्क में हर चीज सुबह मोटो के थ्रू कर लेते हैं। तो इसलिए प्लीज, इंसाफ उतना ही दूर है इस मुल्क से और सुबह मोटो उतना ही दूर है इशूज से। क्या समझते हैं निजामे इंसाफ में तब्दीली के दावे तो बहुत करते हैं लेकिन निजाम कैसे ठीक होगा? अच्छा, मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि हम सियासी जमातों के करीब रह रह के ना बहुत कोई हमें कोई बहुत प्यार मोहब्बत आ जाता है, यानी सिर्फ यानी अगर किसी पे इल्जाम लगाया, भी इल्जाम क्या लगाए, हकायक पे ऊपर पाते हैं। अगर सना बुच्चा साहिबा को नहीं हो समझ आ रही इन चीजों की तो हम तो कुछ नहीं ना कर सकते ना, हमें तो समझना चाहिए। यानी वो ये भी मजाक उड़ाती फिर रही है कि अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैं किसी भी पार्टी के करीब नहीं हूँ, आप नहीं ये इल्जाम लगा सकते। अब आप भी लगा दें इल्जाम, आप हैं, आप PTI के करीब होंगे। बैठ के डिफेंड करती रहती है। तो आपका खुदा रहा, आपका साफी भाई है, आप कितने देर बाहर निकली है घर से बाहर, आपने कोई एहतजाज किया अभी तक किसी बात सिवाय? आज बातें करने लगी शुरू हो गई है। खुदा रहा, इस कौम पे जुल्म हुआ है अरशद शरीफ के साथ। अरशद शरीफ की फैमिली की जगह आप होती तो आपको अंदाजा होता कितना ये जुल्म हुआ है। ये इतनी ज्यादती के ऊपर आप बैठ के मजाक उड़ाती फिर रही है कि कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं होना, कितना निकले आप लोग पाए, सारे घर में बैठे रहे आप लोग। और जब जब थोड़ा सा इन सियासतदानों के खिलाफ बात हुई है तो आप शुरू कर देती है बैठ के उनको डिफेंड करना शुरू कर देती है। यानी एक साफी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ है, शहादत हुई है पाकिस्तानी की, एक और कीनिया के अंदर हुई है। कितनी दफा आपने आकर नवाज शरीफ को या हुकूमत को आपने लताड़ा है, कितने का आपने सवाल उठाए हैं? आज बैठ के आप बात कर रही हैं कि जनाब पहले कुछ छोड़े, पहले को मुझे पहले से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज की बात करता हूँ, आप जवाब दें। 47 दिन आप क्या करती रही है, आपने क्या किया, आपकी साफी तंजीम है, उन्होंने खास लोगों ने क्या किया? उदारा ये छोड़ दे इस बातों को, इन सियासतदारों ने जिन्हें सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, हम उन्हीं को बचाते फिर रहे हैं, हम उन्हीं को डिफेंड करते फिर रहे हैं। हमें डिफेंड करना है पाकिस्तानियों को, हमें डिफेंड करना है साहबी बरादरी को, हमें डिफेंड करना उन लोगों को जिनके हकूक पामाल हो रहे हैं। यानी इन्होंने कभी नहीं सुननी किसी की बात, कल अल्लाह ना करे आप इस जगह हो तो क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। हमें सबको सोचना है, हमें सबको इकट्ठे होकर बैठना है, हमें ये सोचना है कि हम कैसे इस मुल्क को आगे लेकर चलें, कैसे इन भेड़ियों से, इन सिजिलियन माफिया से, कैसे इन गॉड फादर से अपनी जान छुड़ाएं, हम तब छुड़ा सकेंगे। ये बुच्चा साहिबा का इस तरह उठ जाना ये भी एक अच्छी बात नहीं है।